मसूदा की समस्या को लेकर विधायक राकेश पारिक मिले कलेक्टर से। मसूदा में हुई भारी बारिश की वजह से सारी फसलें हो चुकी है खराब, किसानों को मुआवजा दिलाने को लेकर की वार्ता। इस साल हुए मसूदा में भारी बारिश के बाद वहां पर लगी सभी फसलें पूर्णतः पूरी तरीके से खराब हो चुकी है, जिसकी वजह से वहां के किसानों को भारी नुकसान हुआ है। इतना ही नहीं, भारी बारिश की वजह से कई तालाब और सड़कें भी क्षतिग्रस्त हुई है। इन सभी समस्याओं को लेकर आज मसूदा विधायक राकेश पारिक कलेक्टर विष्णु शर्मा से मिले और उन्होंने आग्रह किया कि जिस भी किसान को नुकसान हुआ है उन्हें राज्य सरकार की ओर से उचित मुआवजा दिलवाया जाए, साथ ही सड़कें और तालाब क्षतिग्रस्त हुए उनका कार्य भी करवाया जाए। पारिक ने बताया कि फसलें खराब होने की वजह से किसान दोहरी मार झेल रहा है, बस उनकी समस्या को लेकर आज पारिक कलेक्टर से मिला और जल्द ही उन्हें मुआवजा दिलवाने की मांग की। विधानसभा क्षेत्र मसूदा में कुदरत की, ईश्वर की, मालिक की बहुत मेहरबानी हुई और इतनी बरसात हुई कि वहाँ पे हमारे मूंग की, उड़द की, मक्की की, ज्वार बाजरा फसलें करीब करीब खराब सी हो गई। तालाबों में भयंकर क्षति आई है और रोडों पे भी, चाहे ग्रेवल रोड हो, चाहे PWD के रोड हो और चाहे ग्रामीण सड़कें हो, वो भी जगह जगह क्षतिग्रस्त हुई है। इसके लिए मैं जिलाधीश महोदय से आज मिला हूँ, जिला कलेक्टर महोदय से, और इनसे मांग करी कि आगामी आने वाले समय में जो गिरदावरी का काम शुरू होने वाला है, समस्त उपखंड अधिकारियों को, समस्त तहसीलदार, पटवारी, गिरदावरों को निर्देशित करें कि जो वास्तव में खराबा हुआ है फसल का, उस खराबे का सही आकलन हो और उसके आकलन के आधार पर राजस्थान सरकार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब, लोकप्रिय उप मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सचिन पायलट साहब से मिलकर राज्य सरकार से उन किसानों को उचित मुआवजा दिलाया जा सके। उन बाढ़ सहायता में जितनी भी जो सड़कें क्षतिग्रस्त हुई है, हैनीकट क्षतिग्रस्त हुए हैं, जितने तालाब क्षतिग्रस्त हुए हैं, उनके अंदर सरकार से मंजूरी दिलाकर जनता को राहत दिलाई जा सके, इसके लिए मैं आया। एक मैंने उनसे बताया है कि किसानों के ऊपर जो ऋण वसूली है उसको तब तक के लिए स्थगित किया जाए, क्योंकि आज किसान दोहरी मार से मर रहा है। बरसात का भयंकर कहर, फसल बोई उसका उनको कुछ आने वाला नहीं है, तो जो फसल बीमा योजना है उसके तहत उनको बीमा कंपनियों से राहत दिलाई जाए। उसके साथ ही साथ जो उन पे कृषि ऋण है, ट्रैक्टर पे, बेड पे, बकरी पे, गाय पे, कुएं पे, उन ऋण वसूलियों को भी स्थगित किया जाए, जिससे किसान आराम से अपना जीवन यापन कर सके।